नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है खाजा यानी चिरोटे। तो इसके बनाने के लिए हमें यहाँ पे लगता है मैदा। यहाँ पे मैंने मैदे के चिरोटे बनाए हैं। तो ये रसीले चिरोटे कैसे बनाएं हम देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम मैदा। ये मैंने कप से मेजरमेंट कर लिया है। सेम कप से अब मैं यहाँ पर लूँगी 50 ग्राम घी। हम इसमें पहले डालेंगे थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। अब हम इसमें डालेंगे मेल्टेड घी। घी गर्म नहीं है, सिर्फ मेल्टेड है। तो यहाँ पे मैंने 50 ग्राम घी का यूज़ किया है। इसको अच्छे से हाथ से मैदे में मिक्स कर लेंगे और इसको ऐसे मुट्ठी में दबा के देखना है। ये देखो, इस तरह की मुट्ठी बन रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एकदम नहीं डालना है। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी सिर्फ पानी यूज़ किया है, आधा कप। इस तरह से हमें आटा लगा लेना है। देखो, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और एकदम नरम भी नहीं है। मीडियम साइज़ का आटा यहाँ पे लगा लेना है और इसको अब हम आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 200 ग्राम शुगर और उसमें आधा कप पानी डाला है और 3-4 नींबू का रस डालेंगे। नींबू के रस डालने से वो शक्कर जो है वो जमती नहीं है। और इसको अच्छे से गैस पे पकाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर। ये देखो, अब हम देखते हैं कि चाशनी रेडी है कि नहीं। ये देखो, मैं यहाँ पे उंगलियों पे इसको लेती हूँ तो हल्का सा तार इसमें जम रहा है। तो हमारी ये चाशनी एकदम रेडी है। अब हम यहाँ पे बना लेंगे एक मिक्सचर जो हमें रोटी पे लगाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 टेबलस्पून घी और इसमें डाला है मैदा 2 से 3 टेबलस्पून और इसको अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये हमारी स्मूथ पेस्ट बनके तैयार है। अब हम लेंगे यहाँ पे जो हमने मैदा का आटा बनाया था उसके हम छोटे छोटे साइज के लोइयां बना लेंगे और हम इसको बेलेंगे। देखो, यहाँ पे मैं उसको डस्ट कर लेती हूँ अच्छे से मैदे से दोनों साइड से और इसको हम रोटी के जैसा बेल लेंगे। इसको पतला रखना है। पतला रखने से अच्छे चिरोटे बनते हैं। तो इस तरह से मैं पूरी रोटियाँ बेल लूँगी। यहाँ पे मैंने 5 रोटियाँ बेल ली है। अब हम एक एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर हमने जो मिक्सचर बनाया था घी और मैदे का वो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके सभी साइड से लगाना है। और इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। इसको भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उसके ऊपर रख देंगे घी और मैदे का मिक्सचर। तीसरी रोटी को भी सेम ही मिक्सचर लगाएंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे 5 रोटी रख रही हूँ और अब हम इसको अच्छे से ऐसे हाथ से रोल कर लेंगे धीरे धीरे करके। और लास्ट में है जब उसमें हम लगा लेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये तेल में खुले ना, अच्छे से चिपका रहे, नहीं तो ये तेल में खुल जाता है। इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे और हाथ से अच्छे से रोल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा दबा के रोल नहीं करना है, हल्के हाथों से रोल करना है। और इसके हम साइड से कट कर लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे साइज के हम खाजा बना लेंगे। और इसको हाथ के बीच में ऐसा रख के थोड़ा दबा लेंगे। ये देखो, हमारे खाजा बनके रेडी है। अब हम इसको फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पूरे खाजा बना ली है। अब हम तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल लो हीट पे रखा है और इसमें हम सभी खाजा छोड़ देंगे जितने तेल में आए उतने। और इनको हम लो हीट पे एकदम तलेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ये देखो, इनको गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है। ये अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से मैं पूरा खाजा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको डालेंगे चाशनी में एक एक करके और इसको दूसरी साइड से पलट देंगे
अगर आपको खाजा बहुत ज़्यादा स्वीट चाहिए तो इसको आप चाशनी में 5-10 मिनट तक रख सकते हो, नहीं तो आप तुरंत इसको निकाल लो तो ये ज़्यादा स्वीट नहीं बनेंगे। ये देखो इस तरह से हम इसका जो सिरप है वो नीचे गिर रहा है, तो ये ज़्यादा स्वीट नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हमारी चिरोटी यानी खाजा बन के रेडी है, एकदम खस्ता और रसीली चिरोटी यहाँ पे बनी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। थैंक यू।